हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एन के एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के आवेदनों की स्क्रीनिंग पूरी हो गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पूर्ण गठन के बारे में बताया जा रहा है कि यह अपने अंतिम दौर में है। अब इसके बाद ये माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास फाइनल होने के लिए जाएगा, जिसमें प्राथमिक से लेकर एडेड उच्च शिक्षण संस्थानों तक में शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया अंतिम दौर में बताई जा रही है। आयोग में अध्यक्ष और 12 सदस्य पदों के लिए 1900 से अधिक आवेदन शासन को मिले हैं। 15 जनवरी तक के आवेदनों की स्क्रीनिंग पूरी कर ली गई है। अंतिम नामों की जो लिस्ट है उनको मुख्यमंत्री की ओर से फाइनल किया जाना है। इसके लिए शासन स्तर पर गठित सर्च कमेटी ने प्रक्रिया पूरी कर ली है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन के लिए अधिनियम 2023 की शर्तों के अनुसार अध्यक्ष और सदस्य के लिए बायोडाटा सहित आवेदन 22 दिसंबर से 15 जनवरी के मध्य लिए गए थे। इनमें इनके अध्यक्ष और सदस्य पद के लिए पूरा स्क्रीनिंग पूरी कर ली गई है और इनसे जो आवेदन लिए गए थे वो 12 दिसंबर से स्टार्ट थे और 15 जनवरी तक थे। और जो 15 जनवरी तक आवेदन मिले हैं उन सभी की स्क्रीनिंग पूरी कर ली गई है। साथ ही में 12 सदस्यों में 6 शिक्षाविद होंगे, 12 सदस्यों में से 6 शिक्षाविद होंगे और अन्य 6 सदस्य अधिकारी वर्ग से होंगे। चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई सर्च कमेटी ने तय मानक के अनुरूप आवेदनों के साथ संलग्न प्रपत्रों की स्क्रीनिंग कर सूचीबद्ध कर लिया है। मुख्यमंत्री इस सूची से तय मानक के अनुरूप अध्यक्ष व सदस्य के नाम फाइनल करेंगे। यानी माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष जो ये लिस्टेड हुए हैं आफ्टर स्क्रीनिंग, उन सभी का अध्यक्ष व सदस्यों के नाम फाइनल मुख्यमंत्री करेंगे और मुख्यमंत्री की हाई लेवल कमेटी की मीटिंग किसी भी दिन हो सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि यह सब लोकसभा इलेक्शन से पहले करने का प्लान है। मुख्यमंत्री के नाम फाइनल करने के बाद ही अनुमोदन के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हो जाएगा। यानी कि यह अपने अंतिम दौर में है, सारी लिस्ट फाइनल हो चुकी है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी अपना अध्यक्ष और सदस्य के नाम वही फाइनल करेंगे। जितनी भी अब तक स्क्रीनिंग हुई है उन सब की 900 से अधिक बताए जा रहे हैं। उन जो फाइनल आवेदन किए थे फिर उसके आफ्टर स्क्रीनिंग जो आए हैं, लेकिन जो अध्यक्ष और सदस्य के लिए 12 सदस्य सिलेक्ट किए जाएंगे वो केवल मुख्यमंत्री करेंगे और अनुमोदन के लिए उन्हें राज्यपाल के पास भेज देंगे। और जैसे ही राज्यपाल से मंजूरी मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन का, आप ये समझ लीजिए केवल यह मुख्यमंत्री तक उनके जब अध्यक्ष व सदस्य के नाम फाइनल होने हैं, क्योंकि जो राज्यपाल का होता है उनको अनुमोदन करना ही होता है। तो राज्यपाल का अनुमोदन तो हो ही जाएगा जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी उन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके साथ ही इसके गठन के साथ ही अभी तक क्रियाशील उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब तक इन्हीं से उच्चतर शिक्षा का और माध्यमिक में जो जितनी भी भर्तियां हो रही थी इनसे संबंधित सभी कार्य ये दोनों विभाग देख रहे थे। लेकिन जैसे ही इस गठन की पूरी प्रक्रिया, इस आयोग की गठन की पूरी प्रक्रिया तय होकर और यह पूर्ण रूप में आ जाता है, उसी दिन से ये दोनों विभाग अस्तित्व इनका समाप्त हो जाएगा और इस नए चयन आयोग का कार्यकाल प्रयागराज में बनाया जा रहा है। यानी प्रयागराज के उसी भवन में बनाया जाना है जिसमें अब तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड संचालित है। लोकसभा चुनाव के पहले जल्द ही आचार संहिता लगने को देखते हुए माना जा रहा है कि इस नए आयोग का गठन मुख्यमंत्री जल्द कर सकते हैं। चलिए एक खुशखबरी मिली, काफ़ी लंबे समय से इस आयोग के गठन की बातें हो रही हैं। अब यहाँ पर जो हमने हाईलाइटेड किया हुआ है इसमें साफ ये है कि ये अपने नए आयोग का जो गठन है इसको इतनी जल्दी करने में है, क्योंकि अगर आचार संहिता लग जाती है तो आप सभी जानते हैं कोई भी नई प्रक्रिया, नए सिरे से कोई भी कार्य होता है वह रुक जाता है। तो आचार संहिता लगने से पहले हमें यह न्यूज़ मिल सकती है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ गया है। जैसे ही हमें इसके बारे में अपडेट मिलेगी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि इससे रिलेटेड, और क्योंकि जैसे ही ये अस्तित्व में आएगा, इसके अस्तित्व में आते ही जितनी भी लंबित प्रक्रियाएं थी, क्योंकि टीजीटी का
और पीजीटी की कुछ और प्रोफेसर की सभी भर्तियां अभी भी लंबित पड़ी हुई हैं। कई वर्ष बीत गए, उन्हें लंबित भर्तियां जो थी वो पूर्ण होंगी और साथ में जहां पर वैकेंसी बहुत रिक्तियां हो गई हैं क्योंकि लगातार टीचर्स रिटायर हुए हैं लेकिन काफ़ी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती देखने को नहीं मिली है, तो इसके पूर्ण होते ही आपको सभी ये प्रक्रियाएँ पूर्ण होती नजर आएंगी। और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे तो तुरंत अपडेट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।